हेलो, स्वागत है सभी का। इस वीडियो में हम बात करेंगे रामधारी सिंह दिनकर जी के बारे में। ये वीडियो यूपीएसआई पेट, साथ ही साथ आरओ, एआरओ, यूपीपीसीएस जैसे तमाम एग्ज़ाम जो होते हैं उनकी जो तैयारी कर रहे हैं विद्यार्थी, उनके लिए काफ़ी अच्छा होगा, उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। ये वीडियो हिंदी से जुड़ा हुआ वीडियो है, रामधारी सिंह दिनकर जी के बारे में जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, उनकी जो रचनाएँ हैं, उन सभी को इस वीडियो में हम कवर करने का प्रयास करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए और फिर आप कमेंट कर दीजिएगा कि इसी टाइप के आप और वीडियो चाहते हैं तो मुझे बता दीजिएगा कमेंट करके। फिर इसके बाद रामधारी सिंह दिनकर जितने और महत्वपूर्ण लेखक हैं उनके भी वीडियो मैं लेकर आऊँगा। चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्लास को, इस वीडियो को। सबसे पहले अगर हम बात करें तो रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म कहाँ पर हुआ, तो बेगूसराय बिहार में इनका जन्म हुआ था। कहाँ पर हुआ? बेगूसराय बिहार में इनका जन्म 23 सितंबर 1908 को हुआ था। मृत्यु की बात करें तो अप्रैल 1974 में इनकी मृत्यु हुई। ठीक है, अप्रैल 1974 में इनकी डेथ हुई। अब उसके बाद अगर हम इनके पुरस्कार व सम्मान की अगर बात करें कि कौन कौन से पुरस्कार, कौन कौन से सम्मान इनको मिले हैं, तो उसमें सबसे पहले अगर हम बात करें तो 1952 में इनको राज्यसभा सदस्य बनाया गया था। यहाँ से कई बार आपका प्रश्न पूछा गया है कि रामधारी सिंह दिनकर को 1952 में राज्यसभा का सदस्य कब बनाया गया था, या फिर इनके राज्यसभा के सदस्य बनने से कई प्रकार के प्रश्न आपके बनते हैं। तो याद रखिएगा 1952 में इनको राज्यसभा का सदस्य बनाया गया। फिर 1959 में इनको पद्म विभूषण भी दिया गया। 1959 में इनको पद्म विभूषण, जो कि हमारा जो सर्वोच्च सम्मान होते हैं उनमें से एक है आपका। उसके बाद अगर हम बात करें तो 1959 में ही इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। अब जो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है वो इनकी एक रचना है संस्कृति के चार अध्याय, उसके लिए मिला था। ठीक है, फिर 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। अब जो ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको मिला है वो आप सबको पता है इनकी जो रचना है उर्वशी, उसके लिए मिला था। तो 1972 में इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। क्लियर है? आगे अगर हम बात करें तो ये तो इनके अवार्ड और साथ ही साथ इनका जन्म और इनकी मृत्यु की बात हो गई। अब उसके बाद आगे अगर हम बात करें तो इनके कुछ कविता संग्रह हैं, कुछ इनकी रचनाएं हैं, कविता संग्रह जो है उस पर हम लोग बात कर लेते हैं। हैं तो बहुत सारी, लेकिन कुछ जो मेन, जो कुछ इम्पॉर्टेंट हैं वो मैंने यहाँ पर लिखी हुई हैं। एक इनकी कविता है प्राणभंग, 1929 में आई थी। उसके बाद रेणुका, कई बार पूछी गई है, 1935 में आई। द्वंद गीत, कई बार पूछी गई है, ये 1940 में आई। रश्मि रथ, ना जाने कितनी बार पूछी गई है, 1952 में आई। नीम के पत्ते, 1954 में। उर्वशी, 1961 में। हारे का हरिनाम, 1970 में। हारे का हरिनाम 1970 में आई है। ठीक है, अच्छा, एक मुझे कमेंट करके बताइएगा कि जो इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, क्या वो उर्वशी के लिए मिला था या किसी और रचना के लिए मिला था। ठीक है, ये कमेंट करके आप मुझे बताइएगा। तो ये इनकी कुछ क्या है, कविता संग्रह हैं। उसके बाद हम इनके कुछ निबंध संग्रह पर अगर हम आ जाएँ कि निबंध इनके द्वारा जो लिखे गए हैं महत्वपूर्ण वो हम लोग देख लेते हैं। मिट्टी की ओर, 1946 में इनका ये निबंध आया। अर्ध नारीश्वर, कई बार आपका पूछा गया है अर्ध नारीश्वर रचना या निबंध किसका है, तो रामधारी सिंह दिनकर का है, 1952 में आया था। उसके बाद संस्कृति के चार अध्याय देखिए, इसके लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी 1959 में मिला था, ये आया था 1956 में। हे राम, 1969 में इनका ये निबंध आया। उजली आग, 1956 में निबंध इनका आया है। वेणु वन, 1958 में ये निबंध आया इनका। भारतीय एकता, 1971 में आया है। रेती के फूल, इम्पोर्टेंट है ये, 1954 में आया। वट पीपल, 1961 में आया है। चेतना की शिखा, 1973 में आया है। और आधुनिकता बोध, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये 1973 में आया है। तो ये इनके कुछ क्या हैं, निबंध है। देखिए, इस तरीके से आपसे नहीं पूछेगा निम्नलिखित में से कौन इनका निबंध है या कौन इनका कहानी संग्रह है, वो इनकी रचना दे देगा और आपसे पूछ देगा किस लेखक या किस रचनाकार की रचना है। ठीक है, वर्ष भी नहीं पूछेगा, लेकिन एक सुविधा की दृष्टि से मैंने वर्ष इसका लिख दिया है कि मान लो कभी पूछ दे तो आप बता पाओ। उसके बाद यात्रा वृत्तांत भी इनके कुछ हैं, जैसे देश विदेश, 1957 में इन्होंने ये प्रकाशित किया। मेरी यात्राएं, 1970 में प्रकाशित हुआ। ठीक है, तो ये कुछ हो गई इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। उसके बाद इनके बारे में कुछ पॉइंट हैं, कुछ फैक्ट हैं, जहां से प्रश्न बनते हैं उन पर अगर हम बात करें तो उर्वशी जो इनकी
प्रमुख रचनाओं में से मानी जाती है। उर्वशी को स्वयं रामधारी सिंह दिनकर ने कामाध्यात्म की उपाधि दी थी। ठीक है, उर्वशी को स्वयं रामधारी सिंह दिनकर ने कामाध्यात्म की उपाधि दी थी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि रामधारी सिंह दिनकर ने अपनी किस रचना को कामाध्यात्म की उपाधि दी थी, तो उर्वशी। ठीक, आगे इनकी एक और महत्वपूर्ण रचना है कुरुक्षेत्र, जो कि 1946 में आई थी। इधर मैंने इसको नहीं लिखा है, ठीक है, इधर लिखी हुई है कुरुक्षेत्र 1946 में आई थी। जब ये 1946 में आई थी, उसके बाद विश्व की जो 100 सर्वश्रेष्ठ काव्य चुने गए थे, उनमें से 74वां स्थान किसको मिला था, कुरुक्षेत्र को मिला था। ठीक है, फिर डॉक्टर बच्चन, डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन ने दिनकर की रचना हुंकार, यानी एक और इनकी फेमस रचना आपको मिल गई, कौन सी, हुंकार। हुंकार, कुरुक्षेत्र, ये और नाम आपके जुड़ते चले जा रहे हैं। डॉक्टर बच्चन ने दिनकर की रचना हुंकार, जो कि 1939 में आई थी, ठीक है, को वैतालिका का जागरण गान कहा था। वैतालिका का जागरण ज्ञान कहा था, ठीक है, जागरण गान है एक्चुअली, जागरण ज्ञान, हाँ जागरण ज्ञान कहा था। ठीक है, अगला पॉइंट अगर हम देखें तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उर्वशी को प्रबंध काव्य ना मानकर गीत काव्य माना था। अगर आपसे पूछ दिया जाए निम्नलिखित में से किस लेखक ने उर्वशी को प्रबंध काव्य ना मानकर गीत काव्य माना था, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, उसके बाद एक और लेखक है डॉक्टर धीरेन्द्र। डॉक्टर धीरेन्द्र के अनुसार दिनकर की कविता प्रायः छायावाद की अपेक्षा द्विवेदी युगीन कविता के निकटतर जान पड़ती हैं। ठीक है, इनका मानना था कि दिनकर की जो कविताएँ हैं वो छायावाद की तुलना में अगर हम देखें तो द्विवेदी युग की जो कविताएं हैं उनके ज्यादा निकट या उनसे ज्यादा आपकी जो है वो संबंधित महसूस होती है। ठीक है, कुछ और इनकी रचनाएं हैं, जैसे कि सामधेनी 1947 में आई थी, इसमें इन्होंने अशोक के बारे में बताया था। एक इनकी द्वंद्व गीत, जो मैंने इधर लिखी भी है कहीं पर, द्वंद्व गीत ये, ठीक है, द्वंद्व गीत में इन्होंने जीवन जगत संबंधी जो रहस्य हैं उनका जो है विवरण अच्छी तरीके से किया है। तो रामधारी दिनकर सिंह से संबंधित अगर कोई प्रश्न आपको मिलता है तो मैं उम्मीद जताता हूं कि वो यहां से मिल जाएगा। हाँ, उनकी जो पंक्तियां हैं, पंक्तियों पर यहां पर बात नहीं हुई है, उनकी पंक्तियों से संबंधित कई सारे प्रश्न बन जाते हैं कि फलानी पंक्ति किस जो है काव्य की है, किस रचना की है, किस कहानी की है, किस कविता की है, इस तरीके से प्रश्न आ जाता है, तो उस पर हम लोग अलग से वीडियो लेकर आएंगे। अभी रामधारी सिंह दिनकर से संबंधित इतने फैक्ट जो हैं इनको एक बार तैयार कर लीजिएगा, अच्छे से नोट भी कर लीजिएगा, आगे आपके बहुत काम आएंगे। ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ आप बताइए, मुझे सजेस्ट कीजिएगा कि इस तरीके के मैं और वीडियो हिंदी के अन्य जो कवि हैं उनके और वीडियो लेकर आऊँ, ठीक है, उनके बारे में और उनकी कविताओं और उनसे संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट्स से जुड़ी हुई वीडियो में और लेकर आऊँगा अगर आप कहेंगे तो। इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं, थैंक यू।